हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक इसराइल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर अंधाधुंध किस तरह से ट्रैफिक लाएंगे। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर अंधाधुंध ट्रैफिक बिना SEO के किस तरह से लाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूं ये 100% वर्किंग होगा। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखकर सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो 100% आप लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको US कनाडा वगैरह से भी ट्रैफिक चाहिए तो जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप लोग उसे सही तरीके से यूज करेंगे तो 100% दोस्तों आपके साइट के ऊपर US कनाडा वगैरह से भी ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो इसी पे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर अंधाधुंध ट्रैफिक लाएंगे, कौन सा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको दो साइट के बारे में बताऊंगा जिसमें दोस्तों आप लोग अपने आर्टिकल को यहां पे पब्लिश करके अपने साइट के ऊपर अंधाधुंध ट्रैफिक ला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहां पे दिखा दूं, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं हम यहां पे मोज का एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, जैसा कि फ्रेंड आप यहां पे देख पा रहे हैं। और इसका जो PA है दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 79 है और DA दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं 95 है, जैसा कि फ्रेंड हमने आपको यहां पे दिखाया। अगर दोस्तों आप लोग इस साइट के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग अपने साइट के ऊपर अंधाधुंध ट्रैफिक ला पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पे आपको क्या करना होगा, कौन सा सही प्रोसेस है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहां पे medium.com फाइंड करना है और इस साइट के ऊपर पहुंच जाना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे पहुंचोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहां पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपली दोस्तों आपको सबसे पहले यहां पे काम करने के लिए गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों आपके पास अकाउंट नहीं है तो अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लोग साइन इन के ऊपर क्लिक करके यहां पे लॉग इन कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग गूगल प्लस को यूज करके हम लोग यहां पे लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपसे परमिशन मांगा जा रहा है। तो सिंपली आप लोग अपने जीमेल आईडी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट यहाँ पे बन चुका है, जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे कुछ कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन कौन सा कैटेगरी हमारे ब्लॉग वेबसाइट से मैच करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बाद उसके बाद दोस्तों आप यहां पे नीचे आओगे, यहां पे दोस्तों आपको मिनिमम 3 कैटेगरी यहां पे सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहां पे फटाफट 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। एक को तो हमने यहां पे कर लिया है, ठीक है। दूसरा हम यहां पे कर लेते हैं पोस्ट। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक कैटेगरी और यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये बटन आपका इनेबल हो जाएगा, जैसा कि फ्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर करोगे तो ये जो पेज है दोस्तों यहाँ पे लोड हो गया। तो जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। जैसे ही दोस्तों आप लोग लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक अपग्रेड बटन भी देखने को मिल रहा है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे दोस्तों किसी भी तरह का आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको इसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे दोस्तों अपग्रेड बटन के बगल में आपको यहाँ पे आइकॉन दिखेगा, आपने जिस भी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन किया होगा आपको यहाँ पे आइकॉन दिख जाएगा। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे स्टोरी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दो तरीके से आप लोग अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों आप लोग अपने वेबसाइट का URL को डाल करके यहाँ पे आर्टिकल का रूप दे करके उसमें लिंक वगैरह लगा के बैकलिंक के साथ साथ ट्रैफिक भी अपने साइट के ऊपर यहाँ से भेज सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग सिंपल यहाँ पे चाहोगे कि अपना आर्टिकल ही हम यहाँ पे डालें, स्टोरी के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना आर्टिकल डाल सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जितना भी आप लोग
आर्टिकल डालेंगे, यहाँ पे स्टेटस आपको दिखेगा। जो दोस्तों आप लोग इस साइट के ऊपर पब्लिश नहीं करेंगे यहाँ पे दिखेगा, जो आप लोग यहाँ पे पब्लिश कर चुके होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हमने यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश किया है, चलिए हम इसे ओपन करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारा एक आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं 3 मिनट पहले ही हमने यहाँ पे इसे पब्लिश किया है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं स्टोरी को और डिलीट कर सकते हैं और इसका व्यू स्टेटस वगैरह भी देख सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको नया स्टोरी यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्ट ए स्टोरी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपल सा काम करना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं URL, तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने पोस्ट का URL को डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो कुछ भी ओरिजिनल आर्टिकल होगा वो इस साइट के ऊपर दिख जाएगा और आपको एडिट करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक आर्टिकल को यहाँ पे डाल दें, तो चलिए हम यहाँ पे वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हमने एक पोस्ट लिखा था, तो इसके लिंक को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी लिंक एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप यहां पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का यहां पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये दोस्तों यहां पे इंट्रोडक्शन है, आप यहां पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो फिलहाल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ पे आपको आपके पोस्ट का टाइटल देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों आप लोग देखना चाहते हैं कि हमारा पोस्ट कैसा लग रहा है तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे सी योर स्टोरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हमारा टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोग कैसे और क्या करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग चाहोगे तो टाइटल वगैरह भी यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हो, किसी भी तरह का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग गूगल एडसेंस के साथ काम कर रहे होगे तो बीच बीच में गैप हो जाएगा, तो आपको उस गैप को सही तरीके से फिल करना है। फिलहाल दोस्तों हमारे पोस्ट में किसी भी तरह का गैप नहीं है। अब जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इसे आपको थोड़ा सा यहां पे डीपली समझना है। जैसा कि फ्रेंड आप यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो आर्टिकल है ये एसईओ से रिलेटेड है। अगर आप लोग चाहोगे एसईओ से रिलेटेड अगर आपके साइट के ऊपर कोई भी आर्टिकल है उसका लिंक यहां पे डालना तो आप लोग डाल सकते हो। वो कैसे डालना है चलिए मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड आप यहां पे देख रहे हैं वेबसाइट ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहेंगे इसे बोल्ड करना तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे इसके ऊपर लिंक डालना तो इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग यहाँ पे अपना लिंक डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया हमने इसे और करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपने URL को यहाँ पे पेस्ट करना है और कहीं पे भी माउस को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि फ्रेंड आप यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारा URL यहां पे आ चुका है। तो इसी तरह से आप लोग यहां पे आर्टिकल लिखेंगे और अपने आर्टिकल को अच्छी तरीके से कस्टमाइज करेंगे और इस आर्टिकल में अपने 2-3 आर्टिकल को लिंक करेंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। अब साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आपको इसे पब्लिश करना होगा, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं रेडी टू पब्लिश का यहां पे आपको बटन देखने को मिल रहा है, ठीक है। रेडी टू पब्लिश का यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसे पब्लिश कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे पब्लिश कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको टैग चूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ टैग भी दे देते हैं, बस हम यहाँ पे इतना ही देना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे हिंदी कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया हिंदी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पब्लिश का बटन आपको देखने को मिल रहा है, आपको इसे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये पेज यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग चाहोगे कि इसका URL को कॉपी करके अपने दोस्तों को शेयर करना तो आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आप लोग फेसबुक ट्विटर में भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। अब साथ ही साथ दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा उसे थोड़ा सा आपको यहाँ पे डीपली देखना है कि मैं आपको इस साइट के बारे में क्यों बता रहा हूँ। ये साइट दोस्तों बहुत अच्छा साइट है और यहाँ पे जो ट्रैफिक आता है काफी अच्छा ट्रैफिक आता है। चलिए मैं आपको इसका लाइव यहां पे डेमो दिखा देता हूं, ठीक है।
तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि साइट का जो रैंकिंग है ग्लोबल रैंकिंग 325 है और कंट्री में जो ये रैंक कर रहा है 258 है। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं कैटेगरी रैंक जो कि दोस्तों 16 है। अब थोड़ा सा हम लोग यहां पे नीचे आते हैं और देख लेते हैं ट्रैफिक कितना आता है महीने में। जैसा कि फ्रेंड आप यहां पे देख पा रहे हैं एक महीने में 154 मिलियन ट्रैफिक पहुंचता है, यानी विजिटर यहां पे 154 मिलियन विजिटर हर महीना इस साइट के ऊपर पहुंचता है। अब साथ ही साथ दोस्तों अगर ये साइट अच्छा नहीं होता तो यहां पे लोग 2 मिनट तक नहीं रुकते। जैसा कि फ्रेंड आप यहां पे देख पा रहे हैं ये एवरेज है, एवरेज विजिटर ड्यूरेशन है, ठीक है। लोग यहां पे आते हैं और कितना देर रुकते हैं इसका एक एवरेज ये साइट बता रहा है, ठीक है। तो 2 मिनट यहां पे मिनिमम ये लोग रुकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे मैं आपको नीचे ले चलता हूं। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस साइट के ऊपर जो टॉप 5 कंट्री है जहां से अधिक ट्रैफिक आता है, सबसे पहला तो दोस्तों यहां पे यूनाइटेड स्टेट, जो कि दोस्तों हम लोग हमेशा खोजते रहते हैं कि भाई हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, हाई सीपीसी हम लोग ऐड कैसे क्लिक करवाएं, कैसे हम लोग ज्यादा अर्निंग करें, तो यहां पर दोस्तों यूनाइटेड स्टेट सबसे पहला है। अगर आपका पोस्ट इस साइट में रैंक कर जाता है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस साइट की मदद से आप लोग कितना अर्निंग करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों दूसरे नंबर में है ये इंडिया, ठीक है। और यहां पर दोस्तों तीसरे नंबर में है चाइना, उसके बाद यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं ब्राजील, ठीक है। तो ये टॉप 5 कंट्री है। अब साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पे आपने जो भी लिंक यहां पे डाला होगा यहां से आपको जो लिंक मिलने वाला है ये डू फॉलो बैकलिंक मिलने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं वेबसाइट ऑप्टिमाइज के ऊपर हमने एक लिंक यहां पर लगाया था, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। इंस्पेक्ट के ऊपर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे जो लिंक मिला है ये डू फॉलो बैकलिंक मिला है, ठीक है। अब हम लोग यहां पे इसे एडिट भी कर लेते हैं। एडिट करने के बाद दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये डू फॉलो बैकलिंक देता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस साइट के ऊपर जो भी आप लोग आर्टिकल पब्लिश करेंगे तो यहां पे कम से कम 2 लिंक लगाएं, अधिक लिंक लगाने की जरूरत नहीं है। और यहां पे दोस्तों आप लोग अनलिमिटेड पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों आप लोग इस साइट के ऊपर 15 से 20 दिन अगर मेहनत कर लेते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस साइट की मदद से आप अपने साइट के ऊपर कितना ट्रैफिक जनरेट करेंगे। अब साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक साइड और है एकदम सेम टू सेम, उसके ऊपर भी आपको सिंपली इसी तरह का काम करना है। अगर आप लोग दोस्तों सही तरीके से काम कर लेते हैं तो 100% आप लोग अपने साइट के ऊपर अंधाधुंध ट्रैफिक लाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन सा साइड है और यहां पर दोस्तों आपको कैसे अकाउंट बनाना है। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस साइट का नाम है mix.com। चलिए हम इसे यहां पर कॉपी कर लेते हैं और इसका DAPA भी थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। तो चलिए हम यहाँ पे माउस का एक्सटेंशन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो PA है ये 57 है और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो DA है ये 82 है और इसका स्पैम स्कोर है दोस्तों 1। अब यहाँ पे दोस्तों काम करना बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से यहाँ पे आप लोग अपना काम करेंगे। काम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन, तो सिंपली आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। इस साइट को आपको यहाँ पे सर्च बार में विजिट कर लेना है mix.com। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसे विजिट करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन के ऊपर कर देना है क्लिक। यहाँ पे दोस्तों आपको 3 प्रोसेस से ज्वाइनिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक से, ट्विटर से या गूगल से। तो सारे लोग यहां से गूगल से ही ज्वाइन करते हैं तो हम भी यहां पे गूगल से ही ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने जीमेल आईडी को यहां पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पे आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि फ्रेंड आप यहां पे देख पा रहे हैं। अब साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आपको कंटिन्यू के ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको 3 कैटेगरी चूज करना है, उसके बाद दोस्तों आप लोग यहां पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने आपको कह दिया था पहले ही कि सेम टू सेम उसी तरह का साइड है, लेकिन दोस्तों ये साइड काफी इजी है, उससे भी इजी है, ठीक है। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम 3 कैटेगरी यहां पर चूज कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट यहां पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और ये नोटिफिकेशन है, आप इसे
ओके कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको आपका अकाउंट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्लस का बटन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपको अपने पोस्ट का यूआरएल यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम एक यूआरएल को यहाँ से अपना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसईओ कैसे करें इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल लिखा था, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम इस लिंक को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये लोड हो रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं थंबनेल के साथ हमारा आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जर्नल रहता है पहले से, तो आपको अपना पोस्ट यहाँ पे जर्नल के ऊपर क्लिक करके बना लेना है। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमारा पोस्ट जो है ये जर्नल में ऐड हो चुका है। उसे हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोफाइल का बटन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा नाम आ रहा है टेक इसराइल और हमारा जो यूजर आईडी है ये भी टेक इसराइल ही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपका साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्ट आपका साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों इस साइट की भी मदद से आप लोग अपने साइट के ऊपर अंधाधुंध ट्रैफिक ला सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इसे कस्टमाइज करना चाहते हैं होम पेज, तो यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना यहाँ पे बैनर वगैरह लगा सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगा सकते हैं, नाम उम ईमेल आईडी वगैरह यूआरएल वगैरह भी आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। तो चलिए हम अपना वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल लगे हाथ डाल ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेव हो चुका है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे काम करना है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सोशल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग अपना फेसबुक वगैरह का भी अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और एक्सटेंशन भी इसका मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक्सटेंशन भी है, आप लोग इसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर में। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आप किस चीज से इंटरेस्ट हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना इंटरेस्ट यहां पे चूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस साइट का भी ट्रैफिक दिखा देता हूं कि महीने में इस साइट के ऊपर कितना विजिटर पहुंचते हैं, ठीक है। सिंपली हम इसे यहां से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम लोग यहां पे इसे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद मैं आपको इस साइट का ट्रैफिक भी यहां पे दिखा देता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा साइट पूरी तरीके से यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसका ट्रैफिक वगैरह यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल रैंक जो है इसका 32,475 है, कंट्री रैंक है 16,179 और कैटेगरी रैंक आपको देखने को मिल रहा है 1,228, जैसा कि फ्रेंड आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई कितना ट्रैफिक आता है एक महीने में इस साइट के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि महीने में 1.80 मिलियन विजिटर इस साइट के ऊपर पहुंचते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लगभग 4 मिनट के आसपास लोग यहाँ पे रुकते हैं। ये काफी अच्छा साइड है दोस्तों और अच्छी बात है कि लोग यहाँ पे अधिक देर तक रुकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से विजिटर कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि टॉप 5 कंट्री यहाँ पे इंडिकेट किया गया है और सबसे अधिक जो है दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कनाडा है और यहाँ पे दोस्तों आखिरी में आपको देखने को मिलता है पाकिस्तान। तो दोस्तों ये भी काफी अच्छा साइड है, अगर आप लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा मेहनत करते हैं, अगर थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग अपना टाइम निकाल के अपने ब्लॉग वेबसाइट का आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते हैं, तो इस साइट की मदद से भी आप लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।